50,000 का इनामी बदमाश है, क्या मामला पूरा? देखिए, अभी कुछ देर पहले बिश्नोई थाना क्षेत्र के चेरी काउंटी एरिया में, चौकी क्षेत्र, वहाँ पे जो चेक रूटीन चेकिंग चल रही थी, उसमें एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। उसमें से रोकने के बजाय उन लोगों ने जो चेकिंग पार्टी थी उसके ऊपर अटैक किया था, रिटेलिएट किया गया, उनको रोकने का प्रयास किया गया और उस एक्सचेंज ऑफ फायर में वो एक बंदा घायल हुआ। उससे पूछताछ की गई है, उसका वो अभी उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। पूछताछ में उसने अपना नाम अरुण बाल्मीकि बताया है और ये अरुण बाल्मीकि यहाँ के नोटोरियस बिल्लू दुजाना गैंग का मेंबर है। अच्छा। और ये हमारे यहाँ कुछ दिन पहले गॉड सिटी में एक ठेकेदार के ऊपर इन लोगों ने जो सोसाइटी है उसके अंदर घुस के फायरिंग करी थी, उसमें इनके ऊपर हम लोग ये वांटेड था और 25,000 का इनाम चल रहा था। इसके अतिरिक्त ये फेज 3 थाना क्षेत्र का ये हिस्ट्री सीटर भी है और इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं। अभी दिल्ली से भी बहुत सारे मुकदमे वांटेड हैं। तो ये बहुत शातिर किस्म का अपराधी है, एक तरह से एक शार्प शूटर है बिल्लू दुजाना गैंग का, जिसको हम लोगों ने अभी इस मुठभेड़ में अप्रेंड किया। दोनों तरफ से गोलीबारी चली है तो किसी पुलिसकर्मी में पुलिसकर्मी को चोट नहीं लगी है, अभी यही घायल हुआ है और इसको हम तत्काल अभी ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं। इससे पूछताछ की जा रही है।